नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रियो में देश का नाम रोशन कर हैदराबाद लौटी पीवी सिंधु का शानदार स्वागत। डबल डेकर बस में निकला विजय जुलूस, सिंधु के स्वागत के लिए उमड़ा शहर। घाटी में तनाव के मसले पर जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेताओं ने की पीएम मोदी से मुलाकात। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को सौंपा ज्ञापन। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। अलगाववादियों से जुड़ने वाले कश्मीरी युवाओं को अरुण जेटली का सख्त संदेश। कहा, कश्मीर में हिंसा में शामिल लोगों से कोई समझौता नहीं, पत्थर फेंकने वालों से सख्ती से निपटेंगे। रेगिस्तान से पहाड़ और मैदान तक बाढ़ से हाहाकार। यूपी बिहार में लाखों लोग प्रभावित। एमपी में बाढ़ से बुरा हाल, कई लोगों की मौत। जेएनयू में पीएचडी की छात्रा से बलात्कार। यूनिवर्सिटी के छात्र पर लगा रेप का आरोप। आरोपी छात्र आईसा का कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबुल में स्टोर पैलेस के उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को सराहा। 17 दिन तक चले रियो ओलंपिक का रंगारंग समापन। 121 पदकों के साथ अमेरिका रहा पहले स्थान पर, जबकि 2 पदक के साथ 67वें स्थान पर रहा भारत। अब 4 साल बाद टोक्यो में होगा खेलों का महाकुंभ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।